ये पराठा देखिए हमारा हो गया त्यौहार। मैं इसको रख देती हूँ, माशाल्लाह कितना प्यारा जो है ना, इसको थोड़ा क्लोज करेंगे, कितना प्यारा लच्छी वाला पराठा जो है ना ये बना है। आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो नाश्ता बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी दिन मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं रही, तो मैं अपना कोई ब्लॉग जो है वो अपलोड भी नहीं कर सकी। तो मैं किस तरह पराठा बनाती हूँ वो वाला जो है ना मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। कभी तबीयत ज़रा ठीक हो तो बच्चों पे थोड़ा प्यार भी ज़्यादा आ जाए, तो फिर बंदा कहता है थोड़ा ना स्पेशल हो। आज संडे है तो मैंने सोचा थोड़ा स्पेशल जो है ना वो पराठा बनाया जाए, तो साथ साथ आपके साथ भी गपशप होगी। तो अभी मैंने इसको बेल लिया है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी, इतना घी थोड़ा हाथ के साथ ले लूँगी, और इसको मैं इन चीज़ों के साथ जो है ना ये ऐसे राउंड करूँगी, क्योंकि ये पराठे का स्टाइल जो है ना ये बहुत मज़े का पराठा बनता है। इसको जब बनाते हैं तो इसके अंदर इतने ज़्यादा बल होते हैं, बहुत क्रिस्पी और लच्छेदार ये पराठा जो है ना बनता है। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूं, और काफ़ी दिनों बाद जो है ना आज मैं किचन में आई हूं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ना खुश्क आटा जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे। तो तबीयत की ख़राबी की वजह से वीडियो भी नहीं बना सकी, बच्चों के लिए नाश्ता भी नहीं रोज़ बना सकती थी, तो आज मैं किचन में आई हूँ तो मैंने सोचा चले मैं थोड़ा सा स्पेशल करूँ, और ये भी बनेगा। आपने इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे हाथ में पकड़ के तो इस तरह करना है, ये खुलेगा नहीं, आपको लगेगा जैसे ये ना खुल रहा है लेकिन ये खुलेगा नहीं। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, और इस कंडीशन में ला के तो अब हम इसको बल देंगे। पेड़े भी मैंने आज अच्छे खासे बड़े बड़े किए हैं, लेकिन खैर ये लीजिए हो गया, ये मेरे बाकी पेड़े भी तैयार हैं, और ये हो गया जी इसके बनाएंगे अब हम पराठे। ये पेड़े करके अगर थोड़ी देर रख देना फिर पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। ये पेड़े मैंने करके रख लिए थे, 5 मिनट पड़े रहे हैं, अब मैं एक पेड़ा माशाल्लाह से उठाऊँगी। पेड़े भी आज मैंने जो ना, और मेरी उंगलियों में इतना दर्द है मुझसे हो ही नहीं रहे। इसको करेंगे हम इस तरह बेलेंगे, और तवा मैंने जो है ना उसके नीचे आग लगा दी है, मतलब आग जला दी है। इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये पराठा जब बनेगा ना इसमें इतने प्यारे वो लच्छे आएंगे ना जबरदस्त किस्म के। बस इसको हम अब कर लेंगे हाथ से, क्लोज ले आओ जरा मेरे हाथ, अपनी मर्जी से कर लेंगे पराठे को जितना करना है। ये मैंने डाल दिया, अभी अच्छी तरह से एक साइड से पकेगा तो फिर मैं इसके ऊपर ना घी लगा के इसको फोल्ड करूंगी दूसरी तरफ। एक साइड जो है ना इसकी वो सही बन गई, अब दूसरी साइड पे इधर ही मैं घी लगाऊंगी और इसको मैं करूंगी फोल्ड। अब इसको सही से घुमा घुमा के जो है अभी देखिएगा इसमें ना उबार आना शुरू हो जाएगा। ये माशाल्लाह लच्छे जो है ना ये बड़े अच्छे बनेंगे, और मुझे जो है ना जॉइंट्स पेन का भी बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है, मुझसे ये वाला पकड़ा ही जा रहा, मेरे हाथों में इतना शदीद सा दर्द है ना कि इसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो पकड़ा ही जा। आज तो बच्चे खुश हो जाएंगे, काफ़ी दिनों बाद जो है उनको घर का नाश्ता जो है ना वो मिल रहा है, और नाश्ता फिर माँ के हाथ का हो तो फिर क्या ही बात है। तो आज फिर मैंने कहा मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे चेक करेंगे, ये माशाल्लाह इतना कलरफुल ब्राउन सा हो गया है। अब मैं इसको ऐसे करती हूँ, इसके लच्छे चेक करें ज़रा, इतने ज़बरदस्त इसके लच्छे बन रहे हैं, बहुत मज़े का ये पराठा बनेगा। इसको थोड़ा क्लोज करिएगा, ये देखिए इसको बस थोड़ा हिलाई जाना है ताकि दोनों साइड से सही तरीके से जो है ना ये हो जाए।
फिर पराठा देखिए हमारा हो गया तैयार, मैं इसको रख देती हूँ। माशाल्लाह कितना प्यारा जो है ना, इसको थोड़ा क्लोज करेंगे, कितना प्यारा लच्छी वाला पराठा जो है ना ये बना है, मज़ेदार लच्छे वाला पराठा जो है वो रेडी हो चुका है, साथ में बन रही है दूध पत्ती। नाश्ता बन गया और माशाल्लाह सारे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, और माँ को तो बहुत खुशी होती है जब उसके बच्चे जो है वो मिलकर नाश्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब मिलेंगे रोज़ एक अच्छे और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।